हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। और यह हमारा टैली के बेसिक कोर्स विद जीएसटी का पार्ट 54 वीडियो है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से टैली सॉफ्टवेयर में वाउचर को क्रिएट किया जाता है। यानी जब भी हम टैली सॉफ्टवेयर में अपनी कोई सेल और परचेज की एंट्री करते हैं, तो सेल और परचेज की एंट्री हमारी दो तरीके की होती है। एक होती है हमारी कैश में और एक होती है हमारी क्रेडिट में। और ये दोनों तरह की एंट्री हमारी एक ही तरीके के वाउचर में की जाती है, सेल के वाउचर में। और सिमिलर परचेज की एंट्री हमारे परचेज के वाउचर में की जाती है। तो इस वीडियो में हम आपको इसके भी कुछ सब वाउचर बना के दिखाएंगे। यानी जब हम कैश सेल के एंट्री करें तो उसके लिए कैश सेल का वाउचर हो, क्रेडिट सेल के एंट्री करें तो उसके लिए क्रेडिट सेल का वाउचर हो। तो इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताएंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा ज़रूर देखिए। और साथ ही में अगर आपने इसके पीछे के वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा है, तो उन सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां पे क्लिक करके पीछे के सभी वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं। एंड फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियोस को टाइम टू टाइम देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए आज के इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बने इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे चैनल पे आई हर लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहेगी। तो आइए आज के इस टॉपिक पे शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम टैली सॉफ्टवेयर में आ चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताएंगे कि किस तरीके से हम टैली सॉफ्टवेयर में अपने न्यू वाउचर को क्रिएट कर सकते हैं। टैली सॉफ्टवेयर में हमारे बाय डिफॉल्ट कई अलग अलग तरह के वाउचर बने होते हैं, जैसे हमारा सेल वाउचर, परचेस वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर और जर्नल वाउचर। और उनसे रिलेटेड एंट्रीज को इन वाउचर के अंदर डाल दिया जाता है। और टैली सॉफ्टवेयर में हम आपको कुछ नए वाउचर को क्रिएट करना सिखाएंगे, क्योंकि जब हम टैली में अपनी सेल और परचेस की एंट्री करते हैं, तो सेल और परचेस की एंट्री हमारी दो तरह की होती है। एक हमारी कैश सेल परचेस और एक हमारी क्रेडिट सेल परचेस, जिसे हम उधार सेल और परचेस भी कहते हैं। इन दोनों तरह की एंट्री को हम एक ही तरीके के वाउचर में करते हैं। यानी अगर हमारी कैश सेल हो या हमारी उधार सेल हो, तो इसकी एंट्री हम सिंपल अपनी सेल्स के वाउचर में ही करते हैं और ऊपर हमारा टैक्स इनवॉइस लिखा हुआ आता है जब हम उसको प्रिंट करते हैं। और सिमिलर इसी तरीके के परचेस के अंदर भी अगर हम कैश परचेस करें या क्रेडिट परचेस करें, हमारा सिंपल परचेस के वाउचर में ही एंट्री करनी होती है। आज के इस वीडियो में हम आपको नए वाउचर क्रिएट करके दिखाएंगे। यानी जब हम कैश सेल करेंगे तो उसकी एंट्री कैश सेल के वाउचर में होगी और जब हम क्रेडिट सेल करेंगे तो उसकी एंट्री क्रेडिट सेल वाउचर में होगी। परचेस में भी सेम इसी तरीके का हमारा होगा। तो आइए सबसे पहले वाउचर को क्रिएट करने से पहले हम आपको दिखाते हैं कि बाय डिफॉल्ट हम टैली में कैश सेल और कैश परचेस की एंट्री कैसे करते हैं। इसके लिए हमने पहले से एंट्रीज को करके रखा हुआ है। सिंपल हम आपको दिखाते हैं, डिस्प्ले में आ जाइए शॉर्टकट के डी और यहाँ से डे बुक में आ जाइए। डे बुक में आप देखेंगे हमारे यहाँ पे दो तरीके की एंट्रीज हो रखी हैं, एक हमारी कैश सेल, दूसरी हमारी उधार सेल जिसे हम क्रेडिट सेल कहते हैं। इस एंट्री को ओपन करके अगर इसको प्रिंट करेंगे, तो सबसे पहले हम उधार सेल को ओपन करते हैं। प्रिंट करने के लिए ऑल्ट प्लस की और यहाँ पे एंटर करते हुए विद प्रीव्यू हमारा शो हो जाएगा। जूम करते हैं, आप देखेंगे यहाँ पे ये एंट्री हमने सेल के वाउचर में की थी और ऊपर की तरफ हमें टैक्स इनवॉइस लिखा हुआ आ रहा है। ये एंट्री हमने सिंपल सेल के वाउचर के अंदर की। और जब हमने कैश सेल की एंट्री की थी तो वो भी हमने सेल्स के वाउचर में ही की थी। और जब हम इसका प्रिंट लेते हैं तो इसके प्रिंट में भी हमें यहाँ पे सिंपल टैक्स इनवॉइस लिखा हुआ आ रहा है। इस वीडियो में हम आपको ऐसे वाउचर क्रिएट करके दिखाएंगे। यानी जब आप कैश सेल करेंगे तो कैश सेल का वाउचर ओपन होगा, उधार सेल करेंगे तो क्रेडिट सेल का वाउचर ओपन होगा और साथ ही में जब आप उनका प्रिंट करेंगे तो ऊपर की तरफ भी आपको शो होगा कि हमारी कैश सेल है या ये हमारी क्रेडिट सेल है। तो आइए इस प्रोसेस को शुरू करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें टैली सॉफ्टवेयर के अंदर नए वाउचर्स को क्रिएट करना होगा। तो उसके लिए गेट वर्क टैली में रहते हुए अकाउंट्स इन्फो पे आ जाइए, जिसकी शॉर्टकट की है ए। अकाउंट्स इन्फो में आने के बाद यहाँ से आप वाउचर टाइप्स में आ जाइए, जिसकी शॉर्टकट की है वी। वाउचर टाइप्स में आने के बाद यहाँ पे आप सिंपल क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे वाउचर टाइप क्रिएशन की विंडो हमारे पास आ जाएगी और दो तरीके के हम यहाँ पे नए वाउचर को क्रिएट करेंगे। एक हम करेंगे क्रेडिट सेल, एंटर प्रेस करते हैं। यहाँ पे जो उसका अंडर ग्रुप है वो हमसे पूछ रहा है, तो यहाँ पे उसका जो ग्रुप है हम सेल ले लेते हैं। यानी जो उसका सेलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर है वो हमारा सेल है। देन यहाँ पे बाकी सारी इन्फॉर्मेशन को एज इट इज रखते हुए यहाँ से प्रिंटिंग के अंदर आ जाइए और प्रिंटिंग में आने के बाद जहाँ पे लिखा हुआ है डिफॉल्ट टाइटल टू प्रिंट, यहाँ पे सिंपल हम डाल देते हैं क्रेडिट सेल। यानी जब हम इसका वाउचर को प्रिंट करें तो यहाँ पे हमें ये बताए कि हमारी क्रेडिट सेल है, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन को एज इट इज रखते हुए इसे एक्सेप्ट करा दीजिए। तो एक वाउचर हम क्रिएट कर चुके हैं। अब दूसरा वाउचर हम क्रिएट करते हैं कैश सेल का। कैश सेल का है तो आप कैश सेल नाम से क्रिएट कर सकते हैं या उसको कैश मेमो नाम से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कैश मेमो लेंगे, यहाँ पे जो इसका अंडर वाउचर है वो भी हमारा सेल्स ही रहेगा।
देन बाकी सारी इन्फॉर्मेशन को एज इट इज रखते हुए प्रिंटिंग के अंदर डिफॉल्ट क्रेडिट के अंदर यहाँ पे आप डाल दीजिए जो हमारा डिफॉल्ट टाइटल टू प्रिंट होगा उसको हम डाल देते हैं कैश सेल्स। देन बाकी सारी इन्फॉर्मेशन को एज इट इज रखते हुए उसको यहाँ से एक्सेप्ट करा दीजिए। तो यहाँ पे दोनों तरीके के वाउचर हम क्रिएट कर चुके हैं। तो आइए सिंपल हम सेल और परचेज की एंट्री कर लेते हैं। परचेज के लिए आप सेम इसी तरीके से कर सकते हैं। परचेज के लिए भी दोबारा से अकाउंट इन्फो पे आके वाउचर टाइप में आके यहाँ पे क्रिएट में हम यहाँ पे परचेज का भी बना सकते हैं क्रेडिट परचेज जो इसका अंडर ग्रुप होगा वो भी हमारा परचेज ही होगा। तो यहाँ से इसको एक्सेप्ट करा दीजिए। और दूसरा जो हमारा कैश परचेज है वो भी हमारा सेम होगा उसको भी यहाँ पे परचेज ग्रुप के अंदर रखते हुए एक्सेप्ट करा दीजिए। तो यहाँ पे सेल परचेज दोनों के हम नए वाउचर बना चुके हैं। आइए अब हमें कैश सेल और कैश परचेज की एंट्री करते हैं और उसको यहाँ पे हम प्रिंट देखते हैं। तो सेल की एंट्री करने के लिए यहाँ पे गेट ऑफ टैली में रहते हुए अकाउंट इन्फो पे आ जाइए इसकी शॉर्टकट के वी। यहाँ से सेल के वाउचर को ओपन करने के लिए अपने कीबोर्ड से F8 की प्रेस कर दीजिए। जैसे ही आप F8 की प्रेस करेंगे यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले आपके सामने वाउचर टाइप आ रहा है और लिस्ट ऑफ टाइप्स आ रहा है, यानी जो हमारा वाउचर टाइप है वो हमारी कौन से तरीके की सेल है। जो हमारी नॉर्मल सेल का जो हमारा बाय डिफॉल्ट बना रहता है और कोई भी हम सेल की एंट्री करें वो इसके अंदर ही जाती है। लेकिन अगर हम कैश सेल करेंगे तो हम कैश मेमो को ओपन करेंगे, क्रेडिट सेल करेंगे तो यहाँ पे क्रेडिट सेल्स को ओपन करेंगे। सबसे पहले हम आपको क्रेडिट सेल करके दिखाते हैं। तो क्रेडिट सेल पे आते हुए एक्सेप्ट करा दीजिए। तो यहाँ पे आप ऊपर देखेंगे जो हमारी टाइटल है वो हमारा क्रेडिट सेल हमें शो रहा है। यहाँ पे सिंपल अपना रेफरेंस नंबर डाल देते हैं जो हमारा इनवॉइस नंबर होता है, उसी के साथ पार्टी अकाउंट नेम में पार्टी अकाउंट नेम सेलेक्ट कर लेते हैं विक्रम टेलीकॉम। उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। सेल एट द रेट 18%। यहाँ पे आइटम्स को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, सैमसंग हेडफोन 1 पीस और यहाँ पे इसी के साथ हमारा सैमसंग J7 1 पीस। देन यहाँ पे इसका टैक्स लगा लेते हैं, CGST @9%, SGST @9%। टैक्स ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो चुका है। आइए एक बार इसका प्रिंट देखते हैं। तो यहाँ पे सिंपल हमने इसकी क्रेडिट लिमिट लगाई हुई थी, एक बार इसकी लिमिट को हम चेंज कर देते हैं। क्रेडिट लिमिट किस तरीके से लगाई जाती है और कैसे चेंज किया जाता है इसके ऊपर हमने पहले से एक वीडियो बनाई हुई है। आप अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं, जिसकी मदद से आप अपने किसी भी लेजर के अंदर उसकी क्रेडिट लिमिट को लगा सकते हैं। उससे ज़्यादा जब भी आप कोई एंट्री करेंगे तो एंट्री ऑटोमेटिक एक्सेप्ट नहीं होगी। यहाँ से अभी इस एंट्री को एक्सेप्ट करा देते हैं। तो यहाँ पे ये एंट्री हमारी सक्सेसफुली एक्सेप्ट हो चुकी है। तो आइए एक बार इसका प्रिंट देखते हैं। प्रिंट करने के लिए अपने कीबोर्ड से पेज अप की टाइप कर दीजिए, लास्ट एंट्री हमारी ऑटोमेटिक आ जाएगी और हमारी शॉर्टकट के Alt+P और यहाँ पे विद प्रीव्यू करते हुए एंटर प्रेस कर दीजिए। तो जैसे आप इसको जूम करेंगे Alt+Z आप देखेंगे ऊपर की तरफ हमें शो हो रहा है क्रेडिट सेल, यानी अब हमें टैक्स इनवॉइस शो नहीं हो रहा है, ये हमारी क्रेडिट सेल है। हमने उधार में माल सेल किया था इसलिए हमारे वाउचर में भी क्रेडिट सेल लिखा हुआ है और हमारी जो एंट्री है वो भी हमने क्रेडिट सेल नाम से एक अलग वाउचर को क्रिएट किया था। अगर हम कैश सेल को करना चाहते हैं तो दोबारा से अपने कीबोर्ड से F8 की प्रेस कीजिए। अब यहाँ पे हम दोबारा को कैश मेमो को सिलेक्ट करना है। कैश मेमो को सिलेक्ट करने के बाद सेम उसी तरीके से हमारा रेफरेंस नंबर एंट्री हमारी थी उसी तरीके से होगी। कैश के अंदर हम कैश डाल देते हैं। यहाँ पे जो हमारी बायर की डिटेल है, बायर की डिटेल में अगर आप कैश रहना चाहते हैं तो कैश रहने दीजिए। अगर यहाँ पे वो अपने कस्टमर का प्रॉपर नाम देना चाहते हैं तो अपने कीबोर्ड से Alt+M टाइप कर दीजिए, जिससे यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेजर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे जिस भी लेजर को आपने सेल किया था शुभम टेलीकॉम को सिलेक्ट कर लीजिए। देन यहाँ पे सेल @18% और यहाँ पे हमने सैमसंग J7 के 2 पीसेस को सेल करे थे। टैक्स लगा देते CGST @9%, SGST @9%। देन इसको भी यहाँ से एक्सेप्ट करा दीजिए। इसका अगर आप प्रिंट देखना चाहते हैं तो दोबारा अपने कीबोर्ड से पेजअप की दबा दीजिए, Alt+P विद प्रीव्यू करते हुए एंटर प्रेस और यहाँ से जूम करेंगे तो ऊपर की तरफ हमें कैश सेल हमें यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस तरीके से आप टैली सॉफ्टवेयर में अपने अलग अलग तरह के वाउचर को क्रिएट कर सकते हैं और सेम इसी तरीके से आप परचेज के अंदर भी कर सकते हैं। परचेज के लिए जैसे आप अपने कीबोर्ड से F9 की प्रेस करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे कैश परचेज, क्रेडिट परचेज और नॉर्मल परचेज शो हो रही है। अगर आपकी कैश और क्रेडिट परचेज अलग अलग तरह की होती है तो आपको यहाँ पे अपने वाउचर्स को क्रिएट कर देना चाहिए। इससे आप अपने प्रॉपर कैश सेल और प्रॉपर क्रेडिट सेल की रिपोर्ट अलग अलग भी देख सकते हैं। तो आई होप आप इस वीडियो में समझ गए होंगे किस तरीके से हम अपने वाउचर को क्रिएट करेंगे और कैसे वाउचर को क्रिएट करते हुए जब उनका प्रिंट करेंगे तो उसके टाइटल के अंदर भी उसके नाम को चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पर आपको टैली, ई वे बिल और GST से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी और साथ ही में आपका लाइक और शेयर करने हमारी मेहनत का फल है। साथ ही में अगर आप हमारे साथ इस कोर्स में कंटिन्यूसली जुड़े रहना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप का लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके आप हमारे मेंबर बन सकते हैं और फ्यूचर में आने वाली हर लेटेस्ट वीडियोस में आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।